देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया बेस्ट और आपके साथ मैं शिवानी। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। शादीशुदा महिला से प्रेम प्रसंग के चलते हुई थी वीरेश की हत्या, पुलिस ने हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा। हत्याकांड में शामिल चार लोगों को अरनिया पुलिस ने किया गिरफ्तार, मृतक की पत्नी से थे हत्याकांड में शामिल मुख्य आरोपी प्रदीप सुपरवाइजर के अवैध संबंध। प्रेम संबंधों में बाधा बनने पर हत्यारोपियों ने वीरेश की गला दबाकर की थी हत्या। मृतक के शव को हाईवे के किनारे फेंक कर फरार हो गए थे प्रदीप, हेमंत, अनुज, पवन और आरोपी। 26 मई को हुई थी हत्या। थाना अरनिया क्षेत्र के नया गांव के पास मिला था वीरेश का शव। थाना अरनिया के NH 34 बड़ा गांव फ्लाईओवर के सर्विस रोड के पास हुई थी हत्या। बुलंदशहर से इकराम खान की खास रिपोर्ट। तो सर, एक अरनिया थाना क्षेत्र में हत्या हुई थी, उसका खुलासा हुआ है, क्या पूरा मामला? ये 26 मई की रात में 8:30 बजे के पास NH पर एक डेड बॉडी मिली थी, जिस पर अरनिया पुलिस मौके पर पहुंची थी और उस शव के गले में एक वहां पर देखा कि फंदा बंधा हुआ था। फील्ड यूनिट को भी मौके पर बुलाया गया था और घटना के खुलासा के लिए इसमें दो टीमें लगाई गई थी, थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में और क्षेत्राधिकारी खुर्जा के नेतृत्व में। घटना का आज खुलासा किया गया है और इसमें चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक प्रदीप नाम का व्यक्ति है जो कि सुपरवाइजर का काम करता है और उसी के अंडर में मृतक व्यक्ति काम करता था और इस सुपरवाइजर का मृतक की पत्नी से इलिसिट रिलेशन था, जिससे वह शादी करना चाह रहा था और चूंकि मृतक जो है इस काम में रोड़ा था तो इसको रास्ते से हटाने के लिए उसने दो व्यक्तियों को अपने एक दोस्त के माध्यम से हायर किया और उन्हें 10,000 रुपये एडवांस दिए और 50,000 बाद में देने की बात थी और उसके पश्चात इनकी सहायता से एक स्थान पर बुलाकर उसको और शराब पिलाकर कार के अंदर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई, जिसमें आज ये भी गिरफ्तार किए गए और जेल भेजे जा रहे हैं। सर, मृतक की पत्नी का भी इसमें कुछ रोल था? अभी तक की छानबीन से ऐसा कोई तथ्य अभी साक्ष्य नहीं मिला है। सर, क्या क्या चीज़ बरामद हुई है? जिस गाड़ी को प्रयोग किया गया था वो कार बरामद हुई है, इसके अतिरिक्त इनके पास से कुछ कैश और मोबाइल फोन आदि बरामद हुए। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।